सुकमा जिले के विकासखंड चंदगढ़ में लगभग 180 स्कूलों में सोमवार से ताले नहीं खुले। 365 शिक्षकों ने हड़ताल का रुख किया। 4 से 5 हजार विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। यह हड़ताल वेतन विसंगति को लेकर है। शिक्षकों का कहना है कि वो पिछले 4 सालों से इसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हड़ताल को लेकर हमने पहले भी अधिकारियों को जानकारी दे दी थी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर यह हड़ताल बुलाई गई है। पूरे जिले के साथ साथ छिंदगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। स्कूल बंद हैं, शिक्षक के नहीं आने पर वापस लौट आए। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बने तले आज इलाके छिंदगढ़ में आपका जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज हुआ है। और ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है किस लिए किया जा रहा है, आप सभी जानते ही हैं कि हम लोगों का जो विगत 22 से 23 वर्ष से ये जो वेतन विसंगति की जो लड़ाई है हो रही है, उसमें से 2005 में जो हम लोगों का वेतन निर्धारण हुआ वहां से गलत हुआ, उसके बाद 12 में जो निर्धारण हुआ उसमें भी गलत हुआ। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर रायगढ़ में शिक्षकगण विकासखंड स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। मिनी स्टेडियम में शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश भर में 1 सूत्रीय मांग को लेकर प्रोटेस्ट है। आपको बता दें कि प्रथम सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति को दूर करना इनकी प्रमुख मांग है। इसको लेकर पहले भी इनके द्वारा कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है और प्रोटेस्ट भी किया जा चुका है। अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। हमारी मुख्य और 1 सूत्रीय मांग है प्रथम सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करने। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अभी वर्तमान में हमारा जो धरना प्रदर्शन है विकासखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन है रायगढ़ जिले के समस्त 7 विकासखंड में के मुख्यालय में हमारे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले सहायक शिक्षक और 9 पदोन्नत प्रधान पाठक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और हमारी मांगों पर सरकार जल्द ही विचार नहीं करती है तो हमारा यह जो आंदोलन है उसको हम बहुत ही जल्दी राजधानी रायपुर शिफ्ट करेंगे और वहां उग्र आंदोलन करने हेतु हम मजबूर रहेंगे। आज हम यहाँ सब समग्र फेडरेशन के शिक्षक अपने अनिश्चितकालीन धरना के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी 1 सूत्रीय मांग वेतन विसंगति ही है और इतने समय से हम कई सालों से इसी अपनी एक मांग को लेकर हड़ताल पे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी इस 1 सूत्रीय मांग पर कोई भी सरकार की किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है और ना ही हमारी मांगें पूरी हो रही है। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हुक्का का सामान बेचने वाले दुकानदार पुलिस के हत्थे चढ़े, जिससे बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट चीलम तंबाकू फ्लेवर समेत 2 लाख का नशे का सामान जब्त हुआ। कोटपा एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी के निर्देश पर जिले में पुलिस निजात अभियान चला रही है। इसी कड़ी में तारबहार पुलिस को सूचना मिली कि व्यापार विहार क्षेत्र में गोवर्धन पान दुकान में हुक्का और नशे का सामान बिक रहा है। पुलिस ने दुकान में दबिश देकर नशे का कारोबार करने वाले पान दुकान संचालक सुनील कृपलानी को नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से 15 नग हुक्का सेट, 130 हुक्का पॉट बेस, 40 चीलम, 260 नग तंबाकू फ्लेवर समेत 2 लाख का सामान जब्त किया गया है। महोदय के निर्देश पर जिले में नशा एवं जो नशे के कारोबारी हैं उनके विरुद्ध निजात अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में तारबहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यापार विहार थाना क्षेत्र में जो एक व्यापारी है सुशील कृपलानी, उसके द्वारा हुक्का और हुक्का से संबंधित सामान तथा सुगंधित तंबाकू का विक्रय किया जा रहा है और नाबालिगों को भी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सुशील कृपलानी को हिरासत में लिया गया और उससे कुछ सामान उसकी दुकान में बरामद किया गया तथा उसकी निशानदेही पर तोरबा थाना क्षेत्र के उसके निवास और गोदाम में बड़ी मात्रा में हुक्का का सामान, हुक्का पॉट और सुगंधित तंबाकू बरामद किया गया है। बिलासपुर का रुख करेंगे। सिविल लाइन थाना इलाके में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मामले में मृतक के दोस्तों ने सिविल लाइन थाना पुलिस से कार्रवाई कर जांच की मांग की है। सड़क किनारे युवक का शव मिला था, पुलिस ने कब्जे में लेकर अब आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है परिजनों को।
कल रात में एक व्यक्ति, एक सूचना आई कि एक व्यक्ति की नाली में गिर के मौत हो गई है, और ऐसा पता चला है कि वो शराब का सेवन किया हुआ था, जिस वजह से अपना उसका बैलेंस बिगड़ा। और चूंकि हमें अब सीसीटीवी फुटेज से हमने देखा है कि वो एक गाड़ी से उतरा था और फिर उसके बाद कुछ दूर चला है, तो हमने उस गाड़ी को जब्त किया है। और इसके अलावा जो उसमें लोग बैठे थे उनको भी लगातार पकड़ के उनसे पूछताछ करेंगे, और जो मर्ग की जांच है उसको सही तरह से करेंगे। हम पीएम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया में विकास यात्रा के तीसरे दिन गृह मंत्री डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा तकरीबन एक दर्जन ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। ग्रामीण महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर श्रृंखला निकाली, गृह मंत्री का अभिनंदन किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ जिला कलेक्टर संजय कुमार सहित बीजेपी के जनप्रतिनिधि भारी संख्या में शामिल रहे। गृहमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की, और योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है इसकी जानकारी उन्होंने ग्रामीणों से सवाल जवाब करके ली। अरे भाई जा थोड़ा यहाँ बताओ कौन कौन क्या भैया, वाह मैं हाथ नीचा कर लो। आपके यहाँ पर 86 बिटिया भैया, कितने 86 इतने हाथ उठाए बहनों ने बेटियों ने, और आप सबके खाते में हम आज डालेंगे 1,22,98,000 रुपया आप सब बेटियों के खाते में रहेंगे। जिस दिन उनकी पात्रता पूरी होगी उस दिन उनको मिल जाएंगे। हर बेटी लखपति पैदा होगी। ये हमारी पार्टी की सरकार है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। ये इसमें 1,22,98,000 पेट से पैदा होने वाली हर बेटी लखपति होगी। बेटियों में और बेटा में दुभाग मत करना। अब बेटी की शादी की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, बेटी की शादी की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह, मंडल अध्यक्ष बटियागढ़ कपिल शुक्ला के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपकर मामले में जांच की मांग की। आपको बता दें कि बटियागढ़ मंडल अध्यक्ष पर कुछ दिनों पहले कई आरोप लगाए गए थे, और उन आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए जिला अध्यक्ष बटियागढ़, मंडल अध्यक्ष समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हाल ही में बटियागढ़ में हमारे बटियागढ़ मंडल अध्यक्ष कपिल शुक्ला के विरोध में जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है और उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर के आज एसपी साहब के पास आए थे और एसपी साहब को आवेदन दिया है कि उस घटना की सूक्ष्मता से जांच करके उसकी विवेचना की जाए। यदि ये दोषी हैं तो निश्चित ही अक्कू शुक्ला पर कार्रवाई की जाए, और यदि ये दोषी नहीं हैं तो इन्हें जो जबरदस्ती केसों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको लेकर के उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन पर भी एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे कपिल शुक्ला मंडल अध्यक्ष हैं जो स्वच्छ परिवार के हैं, और कुछ लोगों ने उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी मंडल अध्यक्ष के साथ में, जिलाध्यक्ष भी साथ में रहे हैं, एक एसपी महोदय के लिए ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष जाँच करने का आप आदेश दें टीआई साहब को, और निष्पक्ष जांच करें, चाहे वो कपिल शुक्ला जी हो, कार्रवाई करें। दूसरे व्यक्ति कौन? 4 तारीख को बटियागढ़ से कुछ लोगों ने आके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया था कि कपिल शुक्ला मंडल अध्यक्ष के भाई हैं अक्कू शुक्ला, और मेरे राजनीतिक प्रभाव के कारण थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, चूँकि मामला पूरा झूठा था। मेरे साथ बटियागढ़ के लोग भी आए हैं, मेरी पार्टी के लोग भी हैं। मामला ऐसा था, 2 तारीख की घटना है, ये सिल्लू असाटी, उनके पुत्र शुभम असाटी, शिवांग असाटी, इनके भाई पप्पू असाटी और 6-7 लोग जनपद पंचायत के सामने गालियां बक रहे थे। चूँकि मैं वहां था नहीं तो मुझे किसी ने घटना की जानकारी दी, और उसी तारतम्य में भी गालियां देके वो तुरंत थाने पहुँच गए कि मेरे बेटे से अक्कू शुक्ला ने 6 लाख रुपये से भरा हुआ बैग लूट के ले गया। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए एल्डर लाइन हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में 46 लोगों की एक टीम द्वारा कॉल सेंटर के माध्यम से सप्ताह के सभी 7 दिन बुजुर्गों को अलग अलग तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। दिवाली दशहरा जैसे त्योहारों पर भी ये हेल्पलाइन जारी रहती है, जिसमें बुजुर्गों को अलग अलग तरह की गाइडलाइंस की जानकारी देना, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन और शासकीय कार्यों में गाइडेंस जैसी मदद जैसे कॉल सेंटर के माध्यम से की जाती है। इसके साथ ही फील्ड ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं जो कॉल
सेंटर से जानकारी मिलने पर बुजुर्गों तक पहुंचकर उन्हें मदद पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश में पूरी एक सुविधा ऐसी चालू करी गई है जिसमें एंडल लाइन नाम से एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो बुजुर्गों को सुविधा प्रदान करेगा। जगह पे जो मौके पे जो भी होगी सुविधा हमारे साथ हैं एंडल लाइन के मैनेजर। नमस्कार सर, आपका स्वागत। ये सुविधा चालू करी गई है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या सुविधा है और कैसी सुविधा है? ये बुज़ुर्गों के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है जिसका नाम एल्डर लाइन है और ये भारत सरकार के और मध्य प्रदेश राज्य के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभाग के द्वारा ये चलाई गई है। और मध्य प्रदेश में बुज़ुर्गों को कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी है उनको, तो वो 14567 नंबर पर डायल करके अपनी परेशानी रख सकता है, अपनी परेशानी बता सकता है। तो हर संभव प्रयास किया जाता है कि इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से कि उनकी जो भी परेशानी हो उसका समाधान हो पाए। ये पूरे मध्य प्रदेश में कितनी टीमें बनाई गई हैं और क्या सुविधाएं दी जाती हैं? ये एक कनेक्ट सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है जिसको हम लोग कॉल सेंटर बोलते हैं, जिसमें ये पूरा जो महकमा है हमारा 46 लोगों का है जिसमें कॉल ऑफिसर हैं, फील्ड रिस्पांस ऑफिसर हैं, टीम लीडर है और प्रोग्राम मैनेजर है। तो कनेक्ट सेंटर में कॉल आते हैं, कॉल ऑफिसर उनको उठाते हैं, ये सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक सातों दिन काम करती हैं, कोई छुट्टी नहीं होती। होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, हर त्यौहार पे हम लोग काम करते हैं और जितने भी नंबर मतलब कॉल आते हैं उनका हम समाधान देते हैं। अभी आज के दिन में प्रतिदिन लगभग 150 कॉल हमें प्राप्त होते हैं जो बुज़ुर्गों को मदद के लिए, लगभग ये मान के चलिए कि महीने में 4,700-200 कॉल हम लोग रिसीव कर रहे हैं और उसके मार्फत उस परेशानियों का हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह सुविधा पूरे मध्य प्रदेश में शुरू करी गई है और सरकार द्वारा इससे कोई हेल्पलाइन है या कुछ? ये सरकार द्वारा ही संचालित है और ये न सिर्फ मध्य प्रदेश में पर पूरे भारत में एक ही नंबर से बुज़ुर्गों के मदद के लिए है। मध्य प्रदेश में ये जो कार्य है ये हेल्पेज इंडिया को सौंपा गया है। हेल्पेज इंडिया इस पूरे कार्य को इम्प्लीमेंट करता है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि 8 अन्य राज्यों में भी हेल्पेज इंडिया इस टोल फ्री नंबर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी किन किन राज्यों में यह सुविधा चालू करेगी? ये सारे राज्यों में है, मध्य भारत के सारे राज्यों में है। कुछ राज्य जैसे हरियाणा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा सारे राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध है। इनमें से 8 राज्य हेल्पेज इंडिया के पास हैं जिसमें कि पंजाब, दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये हेल्पेज इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। तो हमारे साथ ये टोल फ्री नंबर जो शुरू किया गया है उसकी सुविधा सभी बुजुर्गों को मिलेगी और अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभी लोग इस हेल्पलाइन का। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। गुजरात की कंपनी में निवेश के नाम पर फौजियों के साथ धोखाधड़ी हुई। पीड़ित फौजियों ने जनसुनवाई में पहुंचकर पुलिस को धोखाधड़ी की तहरीर दी। इस पर पुलिस के अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिटायर्ड फौजियों के साथ धोखाधड़ी का मामला जो है हमारे पास एक कंप्लेन आया है जिसमें नेक्सा टेलीकॉम कंपनी ऐसी कंपनी जो है जो जिसमें बहुत सारे लोगों को जो खुद भी फौजियों के द्वारा स्टार्ट की गई है और उन्होंने जो फौजी रिटायर होने वाले थे उनको जो रिटायरमेंट पे जो पैसे मिलते हैं, फंड मिलता है, तो उस पैसे को उन्होंने बोला कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हम आपको हर महीने हर हफ्ते इतने इतने पैसे देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो झांसा दिया और उस पर बहुत सारे फौजियों से उन्होंने पैसे ले लिए जो रिटायर होने वाले थे। हमारे साथ सर एक एक्समैन थे फौजी और उनका नाम था सुभाष चंद्र बिजारमिया, वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट से थे और हम सभी फौजी भाइयों को जब हम पेंशन आते थे तो वापस सेंटर में वो मिलते थे, हमारे साथ बातचीत करते थे, बोले हम धोलेरा में ज़मीन का हमारा काम है और हम ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोग भी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करो। फिर वो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या करते थे कि हमें वीकली पेमेंट देते थे। अगर किसी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो उसको वो 1,352 रुपये वीकली देते थे, अगर किसी ने 1,00,000 किया है तो उसको 2,909 रुपये वीकली पेमेंट मिलता था।
ग्वालियर में पुलिस ने जनसुनवाई की। इस दौरान हजीरा कांच मिल निवासी एक परिवार ने पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें जबरन मकान खाली करवाने के लिए धमकाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संपत्ति विवाद को लेकर धमकी दी गई है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। हाँ, वो महिला पहले बता रही थी कि उसके पड़ोसी काफी परेशान करते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्योंकि नॉर्मली पड़ोसी के साथ जब भी होता है तो ये वाद विवाद जैसी स्थिति होती है जमीन को लेके, तो मैंने उनसे बार बार पूछा कि इतिहास क्या है बताओ। फिर उन्होंने लास्ट में मुझे बताया कि दोनों का पहले क्रॉस केस हो चुका है, दोनों का एक दूसरे के साथ उनके जमीन के रिलेटेड वाद विवाद है। तो वो लोग आके जमीन मांगते हैं और ये लोग भी अपना रखते हैं कि हमारा है। तो ये एक्चुअली 420 की है जो जाके बाद में गाली गलौज जैसी हो जाती है। 5 तारीख को रात में 10:30 बजे मैं घर पे अकेली थी, मम्मी मेरी अस्पताल में थी और मेरे को अकेला देख के पाके उन लोगों ने बहुत गंदी गालियाँ दी, गेटों में लात मारा, बाहर निकल, तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा रेप कर दूंगा और तुझे घर में नहीं रहने दूंगा, तेरी आँखों में मिर्ची झोंक दूंगा, गंदी गालियाँ दे रहे थे। जित्तू किशोरी जित्तू क्यों करते हैं ऐसा, परेशान करते हैं, घर में नहीं रहने दे रहे, वो घर में ये कह रहे हैं घर में से निकलो, ये मकान भी हमारा है, कब्जा करना चाहते हैं, तो पड़ोसी है वो हमारे। हरदा बाईपास रोड पंखी के पास से अवैध रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अंधी रफ्तार से दौड़ती नजर आ रही है। हालांकि रेत की खदानें अभी बंद हैं, फिर भी अवैध तरीके से रेत का परिवहन हो रहा है। अवैध रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की स्पीड बहुत तेज होती है। इस अंधी रफ्तार से दौड़ रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से खेड़रा ग्राम निवासी और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं काफी परेशान हैं। उनका कहना है किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। नर्मदापुरम शहर के आसपास जो ट्रैक्टर के अवैध परिवहन की शिकायतें प्राप्त होती है, हमारे द्वारा नियमित जांच की जाती है और कार्रवाई की जाती है। अब पर्टिकुलर बरंडुआ गांव का जैसे आपने बताया, वहां पे सघन जांच किया जाएगा और यदि कुछ अवैध पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉलों की स्पीड इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे किस तरीके की यहाँ लोगों को समस्याएं होती है। और सुनने में और देखने में ये आ रहा है कि जो रोड यहाँ बनी हुई है वह रोड काफी कुछ क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सरवन मीना। मीना जी, यहाँ से लगातार भारी स्पीड में ट्रैक्टर ट्रालियां गुजरते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? अरे इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों को दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, धूल भी उड़ती है, गाँव पूरा परेशान है। मगर मिट्टी के डंपर भी चल रहे हैं, डंपर भी बंद नहीं होते, एक दो दिन बंद हो जाते हैं, इसके बाद बंद ही नहीं होते। डंपर और रेत से भरी हुई जो ट्रैक्टर ट्रालियां होती है उनको बंद कराने के लिए आपने कुछ प्रशासन से कुछ कहा है क्या? नहीं, अभी तक तो हमने कुछ नहीं कहा, वो आपसी में बात होती है बस, उन्हीं से बात कर लेते, भैया धीरे चलाओ धीरे चलाओ, इसके बाद अगर ज्यादा कुछ बोलते तो वो ये बोलते भैया आगे जाना, देखते मेन रोड पे डंपर वाले। देखिए, तो ये एक अलग चीज है कि जिस तरीके से ग्रामवासी बोलते हैं कि थोड़ा स्पीड से स्लो चलाएं, लेकिन लोग जो डंपर चालक हैं, ट्रैक्टर ट्राली चालक है, वह लोगों को खुद डरा देते हैं कि आगे मिलिए आप। मतलब इससे आप क्या समझ सकते हैं, क्या महसूस किया जा सकता है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को पूरी तरह से कुचलने और दबाने का प्रयास कर रहे हैं? स्कूल शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला खेड़ला में हम पढ़ते हैं और लंच के टाइम खाना खाने के बाद बहुत सारे बच्चे अपने अपने घर जाते हैं खाना खाना, जिसको मध्यम भोजन में खाना वो वहाँ पे खाते हैं, जिसको घर पे जाना हो वो घर जाते हैं। लेकिन किसी किसी का घर रोड के किनारे है, जो ट्रैक्टर रेत के ट्रैक्टर ट्राली और जो ट्रक चलते हैं वो बहुत ही तेजी से चलते हैं, कृपया इनको धीरे चलाएं। देखिए, जिस तरीके से नन्हे बच्चों ने बताया कि रेत की जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं अवैध रूप से उत्खनन तो चालू हुई है, लेकिन रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियों की स्पीड इतनी होती है कि इन बच्चों को भी परेशानी होती है। मेरा नाम है नारायण मीना। जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है, रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली जो है भारी स्पीड में चलते हैं, ट्रैक्टर ट्राली भी भारी स्पीड में चलते हैं और डंपर जो इतनी ज्यादा स्पीड में चलते हैं और बहुत भारी है, रोड की इतनी क्षमता नहीं, इतने भारी भारी डंपर चलते हैं जिससे सारा रोड खराब हो गया, कंकरी निकल जाए, जिसपे कोई भी व्यक्ति, स्कूल के बच्चे बच्चियां अगर मोटरसाइकिल से जाते हैं, जिसके कारण स्लिप होती है गाड़ियों और रोड डेली दुर्घटनाएं होती है। प्रशासन से किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई पत्राचार किया है आपने रेत के अवैध ट्रैक्टर ट्रालियों को बंद कराने के लिए? नहीं, हमने तो नहीं किया, शिकायत की है, लेकिन थाने वाले साहब आते हैं जाते हैं, रोकते हैं और इसके बाद छोड़ टूट जाते हैं। देखिए, शिकायत करने के बावजूद भी
इन ग्राम वासियों को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अनिल यादव, नर्मदापुरम नेटवर्क। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में दो युवक पर आंख में मिर्ची डालकर चाकू मारने के मामले में खंडवा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें 4 नाबालिग और 1 बालिग आरोपी है। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शहर में अशांति का माहौल बनाने के लिए इन आरोपियों का उपयोग किया जाता था। इन सभी आरोपियों ने उज्जैन के कुख्यात गुंडे दुर्लभ कश्यप की तरह अपना नाम मशहूर करने के लिए चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा जिन्होंने नाबालिगों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिया। ये कल 5 फरवरी 2023 को थाना पदम नगर के अनिज टॉकी क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पे शेख हुजैफ और मोहम्मद तल्ला, इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था। इसमें मोहम्मद तल्ला के आंखों में मिर्च भी झोंकी गई थी और जिसके आधार पर तत्काल इसमें टीम्स एक्टिव हुई थी। कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे, कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली थी और जिसके आधार पर इसमें हमने आरोपियों को चिन्हित किया था और 3 अपचारी बालकों को हमने अभिरक्षा में लिया है। और उसके बाद बाकी जो आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा हुआ है। एक घटनाक्रम जिसमें शेख हुजैफा पे हमला हुआ था उसमें 5 कुल आरोपी थे, जिसमें 4 अपचारी बालक और 1 बालिग राजन राठौर नाम का आरोपी है। और दूसरे जो घटनाक्रम था उसमें 2 अपचारी बालक और 1 राजा राठौर नाम का आरोपी है। तो इस प्रकार से 2 जो 307 के प्रकरण थे उसमें हमको जो मेन आरोपी है उनके नाम का क्लियर हो गया है। मुरार से 7 नंबर चौराहे पर एक स्कूल वैन में आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वैन स्कूली बच्चों को घर छोड़कर वापस आ रही थी। आग की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्कूली वैन में आगजनी की इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। पूरे मामले की जांच की जा रही है किस कारण यह हादसा हुआ।